हेलो एवरीवंस, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक पाठशाला में। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देख लिया। और अब इस सेशन में हम आखिरी टॉपिक मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट का आखिरी टॉपिक अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के साथ हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट सेशन से जो शुरुआत करेंगे वो डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे आपका डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट। और यहाँ पे जब हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, अब तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है फ्रेंड्स, वहाँ से आपके 75% क्वेश्चंस बनकर आपके आते हैं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में 75% क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो जितना भी मैंने पढ़ा दिया, 75% कुछ कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, आप अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी बात करूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। इसे आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह तो देख लिया ही है। ठीक है, और उन्हीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हम यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं। ठीक है, तो उनका यूज करेंगे हम डिफरेंशिएशन में, किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे उनके कॉन्सेप्ट को, वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है शुरू करने से पहले, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद होने चाहिए। इन सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ही यूज़ में आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब तक आपको ये फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो अगर साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 1/√1 − x². ठीक है, उसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस हो जाता है, −1/√1 − x² हो जाता है। टेन इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/1 + x² हो जाता है। और सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√√x² − 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स का एक्स का भी करेंगे तो आप x√x√x² − 1 हो जाएगा। और सिक्स वाले में देखिए, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/x² हो जाएगा। तो ये फार्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका यूज़ करेंगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, मैं तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस साइड मैंने नोट जानबूझ कर किया है, क्योंकि लास्ट सेशन में हमें बार बार रफ करके नोट करने पड़ रहे थे, ये हमारे साइड में पड़े रहेंगे और मैं इधर का रफ करूंगा और यहां से क्वेश्चन को पिकअप करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। आप देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x बाई वाई तो सिद्ध करो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, टेन इनवर्स cos x 1 + sin x, इनका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट पूछा हुआ है, क्या आएगा, क्या वैल्यूज आएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x √x², इसका डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब हम कैसे इसको यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, कैसे यूज करेंगे ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को पिकअप करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, आसान क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं पूछे जाते हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चंस में, क्या मिस्टेक है, y = x tan inverse x है। ठीक है, x tan inverse x है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ और सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है y = x
टेन इनवर्स एक्स बाई वाई दिया है, ओके ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स वाई वाई। क्यों लिख रहा हूँ, इसका यूज अभी मिलेगा, इसको इक्वेशन ए कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसका यूज हमें देखने को मिलेगा। अब एक क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इनका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं भैया। तो ये हमारा यू हो जाता है और ये टेन इनवर्स एक्स भी हो जाता है, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स वाई वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई वाई और डी वाई डी एक्स, ठीक है, ओके। आप यहाँ पे आप चाहो तो फंक्शन ऑफ फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा यूज़ क्योंकि मुझे पता है, लेकिन आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज़ करेंगे तभी ये इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या होगा। एक्स वाई वाई को आप क्या करेंगे टी मान लेंगे, तो आपका चीज़ें वहाँ से अप्रोच होकर सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए यहाँ से हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर और यहाँ से एक्स बाई वाई का भी हो जाएगा डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स बाई वाई, ठीक है, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स इंटू वन, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बी हो गया और ये हमारा यू हो गया। अब हमारा क्विटेंट रूल्स यानी कि क्विटेंट रूल्स को अप्लाई करेंगे या डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे, क्विटेंट रूल और डिवीजन रूल एक है, तो यहाँ से हमारा हो जाता है एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है और ये ब्रैकेट में कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाता है भी वाई इंटू डी एक्स का एक्स वन माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या था वाई बाई एक्स था, वाई बाई एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, अंदर क्या बच रहा है, अंदर हम इंट्री करा देते हैं तो देखिए अगर इंट्री कराते हैं तो ये हो जाता है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैंने ऑर्डर में कर दिया थोड़ा सा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेते आ रहा है और कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास चलिए पहले इसको दिखा देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाता है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या बच रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, वाई अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा बच रहा है। आप देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों को दोनों सेम है, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो गया, और हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ यहाँ पे आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारा प्रूफ निकल कर सामने आ गया और हमने इसे प्रूफ कर दिया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपल है, ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चंस बच रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद सेशन को रोकेंगे और इसी के साथ आपका डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे और उसके बाद से हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड करने का क्या रूल्स है, देखिए फ्रेंड्स, पहले लिखते हैं टेन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, इसको लिख सकते हो वन को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिख सकते हो टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ठीक है, ओके। आप देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ से आपका टेन इनवर्स एक्स हो गया और एक ब्रैकेट में आपका हो जाता है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में आता है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से एक कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स बच रहा है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। देखते हैं डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करने का मौका देता है कि नहीं, अगर नहीं देगा तब बात ही खत्म, लेकिन देगा जरूर, कॉस एक्स वाई टू साइन एक्स वाई टू। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉस एक्स वाई टू को कॉमन ले रहे हैं दोनों, ऊपर नीचे दोनों से, तो कॉस एक्स वाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारा बन जाता है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स वन माइनस साइन साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, तो टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा,
ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे टेन इनवर्स, वन को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू। यहाँ से हमारा हो जाता है टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। अब जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू बचता है, और इसको हम y बराबर लिख रहे हैं, सबको मैं भूल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं dy वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारा जीरो हो जाता है, और x का हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो वन हो जाएगा, वन बाई टू माइनस वन बाई टू आएगा, और हमारे यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन बाई टू। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस है। इजी क्वेश्चंस इसलिए मैं लेकर आया हूँ ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो सके, ठीक है। ओके, तो मैं इसे अब क्या करूँगा, रफ करूँगा। एक क्वेश्चन और देखता हूँ, अगर टाइम बचता है तो मैं एक क्वेश्चन और भी ले लूँगा इसके अलावा भी, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जब क्वेश्चंस दिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, आई होप लाइट ज़्यादा पड़ रहा है। साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी दिखेंगे ये, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका लिखना माना x बराबर साइन थीटा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि ये किस तरह से हमारे फॉर्मूला का फॉर्मेशन होगा, और उसका इनवर्स लेने पे वो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके, हम जैसे इनवर्स निकालते थे, कैलकुलेट करते थे, फाइंड आउट करते थे, उसी तरह हमें यहाँ पर पहले इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, करने के बाद हम डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंपल केस है जैसे फॉर्मूला था उस तरह का है, तब आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करके अपना रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस है, और इस तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, उन वेरिएबल को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। लेकिन अब हम यहाँ पर साइन क्यों मान रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स जब हम इसका यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे साइन क्यों लिया, और आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे, और आपको भी यहाँ पे प्रैक्टिस से ही पता चल पाएगा कि आप कैसे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आप वहाँ पे मानोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा हो गया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हमारे यहाँ से बनता है y इक्वल टू लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, टू साइन थीटा, x की जगह पर साइन थीटा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है क्या पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है, और इसी को अगर आप लिखते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ से हो जाता है साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और इसका इनवर्स हो जाता है तो हम लेते हैं इनवर्स, तो वाई इक्वल्स टू हो जाता है टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो वाई इक्वल्स टू हो क्या है, y इक्वल्स टू क्या हो गया, टू साइन इनवर्स x, टू साइन इनवर्स x हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं dy वाई बाई डी एक्स, तो टू डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स x, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा आपको, डी वाई बाई, इसका हमारा सिंपल फार्मूला हो गया है, अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, यही हमारा ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। और आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई है, अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूं क्या, क्या रहने देते हैं, आप एक काम कीजिएगा, जितना भी एग्जांपल वगैरह दिया हुआ है आपके बुक्स में उन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन जब दिखेंगे जो एक्स को हमें मानना है तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जो भी समस्या होगी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि सभी इस कोर्स का बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।